بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन. लेकिन अगर उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर ले, प्रीवियस लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. हमने पढ़ा था कि हमारे सराउंडिंग में जितने सारी चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है. अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो जितने सारी चीज़ें लिविंग है या नॉन लिविंग है वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है. आप अगर अपने स्कूल को देखें, अपने घर को देखें, रोड्स को देखें, शॉप्स को देखें, या ये जो एयर आप इनहेल कर रहे होते हैं उसको देखें, तो ये सारा एनवायरनमेंट का हिस्सा है. ये क्या है? एनवायरनमेंट का हिस्सा है. और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने सारे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके साथ साथ हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि पानी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नेमत है. पानी के बगैर दुनिया में कोई भी जिंदगी नामुमकिन है. पानी के बगैर हमने पढ़ा था कि इस अर्थ पर पानी के बगैर कोई भी जिंदगी नामुमकिन है. हमने पढ़ा था कि पानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. फूड डाइजेशन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा अहम होती है. अगर वाटर अवेलेबल हो तो फूड डाइजेशन आसानी के साथ हो सकती है. इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखें तो उनके बॉडीज में केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं. ओ केमिकल प्रोसेस, ओ केमिकल रिएक्शन वाटर के बगैर नामुमकिन है. उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो रूट के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर की वजह से प्लांट्स के ग्रोथ में इजाफा होता है और प्लांट की लीव्स में खुराक तैयार होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर की मौजूदगी में. तो इसलिए हमने पढ़ा था कि वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि वाटर के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एयर को हम उर्दू में हवा कहते हैं. हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है. उसमें एक इम्पोर्टेंट गैस है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं. उस इम्पोर्टेंट गैस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं. ऑक्सीजन क्या काम करता है? देखे बच्चों, लिविंग थिंग्स को फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. हम जो फूड खा रहे होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है और जब हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली जाती है, हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है. इस तरह अगर हम देखें तो एयर में एक दूसरे इंपॉर्टेंट गैस भी है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. आप देखें, हम जब एक्सहेलेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, अपने लिए खुराक तैयार करता है और फिर वो ह्यूमंस और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है. उसके बाद हमने लाइट का जिक्र किया था कि लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम देखें तो प्लांट्स के लिए लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है. किस तरह बहुत ज्यादा जरूरी है? देखें, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो वो किस की मौजूदगी में करता है? सनलाइट की मौजूदगी में. प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, अपने लिए खुराक तैयार करता है. उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि अगर हम ह्यूमन और एनिमल्स को देखें तो वो प्लांट्स खाते हैं या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उसको खाते हैं, इस तरह उनको एनर्जी मिलती है. इस तरह अगर हम देखें तो लाइट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके साथ साथ हमने वार्मथ के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जिनको वार्मथ की ज़रूरत होती है. और अगर इस दुनिया में हम बहुत सारी जगहों को देखें तो वहाँ पर टेम्परेचर न बहुत ज़्यादा होता है और न बहुत कम होता है. इंतहाई दर्जा हरारत वाली जगहों में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. इस तरह अगर हम आईसी क्लाइमेट्स को देखें तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की तादाद इंतहाई कम होती है. अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्डरली ग्रुप्स एंड द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज. देखें, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है. इस तरह आपको मालूम हो जाएगा कि साइंटिस्ट ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है.
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखे बच्चों, साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। और इस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन की वजह से हमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लिविंग थिंग्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग वेयर दे लाइव, बाय देयर शेप, बाय देयर बिहेवियर और बाय व्हाट दे ईट। अगर इसके साथ साथ हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं तो ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह लिविंग थिंग्स मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम देखें इस दुनिया में जितने सारे एनिमल्स हैं उन्होंने एक किंगडम बनाया हुआ है, और उस किंगडम को हम क्या कहते हैं, उस किंगडम को हम एनिमल किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल किंगडम कहते हैं। इस एनिमल किंगडम में लाखों की तादाद में मखलूकात है, लाखों की तादाद में एनिमल्स मौजूद हैं। अगर हम देखें तो एनिमल किंगडम में बहुत सारी लिविंग थिंग माइक्रोस्कोपिक है। किस तरह माइक्रोस्कोपिक है? माइक्रोस्कोपिक इस तरह है कि वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते। उन लिविंग थिंग्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जिन ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिस तरह अगर हम वायरस को ले लें, बैक्टीरिया को ले लें, फंजाई को ले लें, तो ये सारे क्या है? ये सारे माइक्रोस्कोपिक है। हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। और अगर हम एनिमल किंगडम को देखें तो इसमें बहुत बड़े बड़े एनिमल्स भी है, बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स भी है। जिस तरह अगर हम ब्लू व्हेल्स को देखें जो समंदर में पाया जाता है। देखे बच्चों, हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ चार एनवायरनमेंट में कर सकते हैं कि किन किन एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। पहले नंबर पर उसमें है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो ग्राउंड पर रहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो तैर भी सकते हैं। वो ज़मीन पर भी रहते हैं और तैर भी सकते हैं। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इन एनिमल्स को अगर हम देखें तो इन जानवरों के पांव होते हैं जिनके ज़रिए वो चल सकते हैं, और इनके लंग्स भी होते हैं जिसके ज़रिए वो ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। कोल्ड प्लेसेस में जो एनिमल्स रहते हैं उनके जो बॉडी कोट्स होते हैं और फरी होते हैं और थिक होते हैं जो उनको गर्म रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह अगर हम डिजर्ट एनिमल्स को देखें, जिस तरह अगर हम कैमल्स को ले लें, तो उनके जो बॉडी कोट होते हैं, उनका जो स्किन होता है वो बहुत मोटा होता है ताकि उनको सूरज की गर्मी से बचाए, उनको सन से प्रोटेक्ट करे। देखे बच्चों, फिर से सुने, हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं और ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर गुजारते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? उन एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। इन एनिमल्स को अगर हम देखें तो इनके पाँव होते हैं जिनके ज़रिए वो चलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बाद है अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त ये जानवर दरख्तों में गुजारते हैं। इसलिए इन जानवरों को हम क्या कहते हैं? इसलिए इन जानवरों को हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स को अगर हम देखें तो उनके जो आर्म्स होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस तरह ये जो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं ये एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जंप करते हैं। जिस तरह अगर हम मंकीज को देखें, इस तरह अगर हम इनके टेल्स को देखें तो ये अपना टेल्स ब्रांचेस को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अगर हम पंजे देखें तो उनके जो पंजे होते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं जिनके ज़रिए वो क्लाइम कर सकते हैं। फिर से सुने बच्चों, हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो तैर सकते हैं। इसलिए हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? इसलिए हम उन एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पाँव होते हैं जिनके ज़रिए वो चल सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की तरह लंग्स के ज़रिए ब्रीथिंग नहीं कर सकते।
वो ब्रीथिंग के लिए गिल्स का इस्तेमाल करते हैं या उनमें स्पेशल लंग्स होते हैं जिनके जरिए वो ब्रीथिंग करते हैं। इस तरह अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स को देखें तो उनके फिन्स होते हैं या लिम्स होते हैं जिसके जरिए वो पानी में तैर सकते हैं। फिर से सुने, एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें ऐसे होते हैं जो जमीन पर रहने वाली जानवरों की तरह लंग्स के जरिए ब्रीथिंग नहीं कर सकते। उनके बॉडी में स्पेशल लंग्स होते हैं या गिल्स के जरिए वो ब्रीथिंग करते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो एक्वेटिक एनिमल्स के फिन्स होते हैं या लिम्स होते हैं जिनके जरिए वो पानी में तैर सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के बाद अगर हम देखें एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर वक्त हवा में गुजारते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? उन एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। जिस तरह अगर हम बैट को ले लें, जिस तरह अगर हम बोट्स को ले लें, तो ये एरियल एनिमल्स में आते हैं। इस तरह अगर हम एरियल एनिमल्स को देखें तो उनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा हॉलो होते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً.